हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज आपकी यूनिट होनी है, यानी कि थर्ड पार्ट की यूनिट नंबर 7 यूज शुरू होनी है। उसमें भी कौन सा टॉपिक है, आज आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन वर्क। ठीक है, ये आपकी यूनिट का नाम और टॉपिक का नाम क्या है आपका, हाउस कीपिंग की कीपिंग ओ एक मिनट ऑपरेशन। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो सबसे पहली कहानी आ जाती है कि इसका मतलब क्या है, यानी कि नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं हम, कि ये है क्या HOUS, हाउस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ये है क्या, कोई आपसे पूछने लगे कि हाउस कीपिंग ऑपरेशन क्या है, आप क्या बताओगे? देखो, हाउस कीपिंग जो, यानी कि हाउस कीपिंग ऑपरेशन में आपका एक तरह से मान के चलते हैं, जब दिन प्रतिदिन जो काम काज होते हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन के जो काम काज होते हैं, उनमें कुशलता के लिए ग्रंथालय की बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। यानी कि कुछ, जैसे आप मान के चलिए आपने घर में एक, ये मान के चलिए कोई भी खाना बनाया या फिर आपने घर की सफाई करी, तो उसमें उसके पीछे यानी कि बिहाइंड द सीन क्या है, बहुत सारे जो, यानी कि किसी ने क्या नाम घर में सफाई करने के लिए सफाई करी, किसी ने जाले झाड़े, किसी ने क्या नाम सोफ़ा लगाया, किसी ने कुछ करा, तो इस तरह से होता है कि नहीं? वैसे ही क्या है, लाइब्रेरी में भी दिन प्रतिदिन जो काम काज की कुशलता के लिए ग्रंथालय की बहुत सी गतिविधियाँ पृष्ठभूमि में होती हैं और उन्हें हाउस कीपिंग कहा जाता है, यानी कि हाउस कीपिंग कहा जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें से अधिकतम गतिविधियाँ संग्रहित सामग्री के लिए रखरखाव संभालने के लिए आवश्यक होती हैं। क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं, क्योंकि इनमें से एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, इसलिए इसे एक कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटरीकरण आसानी से हो सकता है। क्या हो सकता है, इसमें कंप्यूटरीकरण आसानी से हो सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। कंप्यूटरीकरण जब आ जाता है तो हम, यानी कंप्यूटरीकरण क्या करता है, काम को आसानी से करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हाउस कीपिंग वाली जो टर्म है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए, आपको ये समझ में आ गया हाउस कीपिंग क्या, यानी किसी इस, यानी सीधी सीधी भाषा में जो काम को आसान कर दे वो हाउस कीपिंग है। अब हाउस कीपिंग जब पढ़ते हैं, इसके पांच, यानी कि सॉरी इसके पार्ट्स जो हैं वो भी पढ़ने हैं हमें, जो क्या है, एक सबसे पहला आता है अधिग्रहण, फिर यानी कि अधिग्रहण हो गया, अधिग्रहण में फिर क्या है आपका चयन आ जाएगा, चयन के बाद आ जाएगा आदेश देना आ जाएगा, प्राप्त करना आ जाएगा, ये सारे आपके क्या हैं, फिर आपका परिग्रहण करना आ जाएगा, प्रकाशन के अंदर आ जाएंगे, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी किस किस के चीज़ों के अंदर आते हैं, यानी कि सबसे पहला आपका आ जाएगा क्या आएगा, फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिख देता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत यानी कि समझ में आ जाए आपको और आपको कहानी यानी कि इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, कहानी को हम हिंदी में भी लेके चलते हैं, इंग्लिश में भी लेके चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज का करते हैं। तो ये ओके, ये आपका आता है लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑफ प्रे। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो मैं दोनों साथ में लिख देता हूँ, एक्यू
सजेशंस। दूसरे नंबर पे आएगा आपका प्रोसेसिंग। तीसरे नंबर पे आएगा यूज। चौथे नंबर पे आपका मेंटेनेंस। MAINTENANC। ठीक है, अब हिंदी में क्या कहेंगे इसे, कोई ये बताओ हिंदी में क्या कहेगा इसे। पहला हो गया आपका अधिग्रहण। ठीक है, याद कर लेना। अभी इसके अंदर के पार्ट्स पढ़ने हमें, यानी कि अधिग्रहण के अंदर के। फिर आपका आता है प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या आएगा बताओ, उसके बाद क्या आएगा कोई बता सकता है? देखो ये सब यूज़ करना का मतलब क्या है, एक तरह से यूज़ मतलब उपयोग करना। तो इस तरह से आपको सारे के सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंदी में जो टर्म्स हैं वो भी लिखवा देता हूँ, और जो इंग्लिश में टर्म्स हैं वो भी लिखवा देता हूँ। जो मेन मेन है यानी कि यूज़ और मेंटेन, देखो शुरू के आपको समझ में नहीं आएंगे हिंदी में, और जो आखिरी के दो हैं वो यूज़ एंड मेंटेनेंस तो है वो आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, यानी कि अब आपको इसके अंदर के पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि पहले पढ़ते हैं सबसे पहले एक्यूमेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारा, पहला आ जाएगा सिलेक्शन, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है रिसीविंग, और फिर आता है एक्सेस। यानी कि सबसे अंदर क्या, सबसे पहले आता है, यानी इसके अंदर भी चार पार्ट हैं। इसके अंदर क्या पार्ट है, पहला आ जाता है सिलेक्शन, यानी सेलेक्ट किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, यानी कि चयन करते हैं। किसी भी दस्तावेज को जब पुस्तकालय में लेके जाते हैं, या पुस्तकालय आप ये मान के चलो आप गए कहाँ पर गए, किराना स्टोर पर गए, यानी कि आप गए मान के चलिए कोई भी मल्टीप्लेक्स जहाँ पर सामान मिलता है, ग्रोसरी सामान मिलता है, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले भैया सामान को सेलेक्ट ही तो करोगे, या सीधे ऑर्डर दे दोगे, या फिर आप रेस्टोरेंट में गए पहले जो खाना है उसे सेलेक्ट ही तो करोगे क्या क्या मुझे मंगाना है। तो पहले आता है आपका सिलेक्शन, फिर आपका आ जाता है ऑर्डर करना, यानी कि अब आपने क्या नाम खाने को सेलेक्ट कर लिया, अब दे दिया ऑर्डर। फिर ऑर्डर के बाद क्या होगा, ऑर्डर के बाद क्या होता है, खाना आएगा, यानी कि क्या होगा रिसीविंग, यानी कि रिसीव कर लिया हमने अब खाना। अब रिसीविंग कर, एक मिनट, रिसीविंग करने के बाद क्या होगा, फिर हमने उस खाने को क्या करा, खाया, यानी एक्सेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये आपके इसके चार पॉइंट हैं, यानी कि चयन करना, आदेश देना, प्राप्त करना और परिग्रहणीय करना। यानी कि आपको ये ये तो सब समझ में आया, सेलेक्ट करना मतलब चयन करना, ऑर्डर देना मतलब आदेश देना, रिसीव करना मतलब प्राप्त करना। तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिर दूसरे में क्या आएगा, ऐसे दूसरे का आएगा प्रोसेसिंग, यानी कि PROSESING। इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर भी क्या होंगे, चार आएंगे। इसके अंदर आएगा सबसे पहले क्लासी, एक मिनट, स्पेलिंग भी थोड़ी थोड़ी ध्यान से लिखनी पड़ती है, क्लासी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लासीफाई हिंदी के भी हैं। फिर आते हैं कैटलॉग्स। ठीक है, फिर आता है आपका लेबल, तीन नंबर आ गया, और आपका आता है SLAVY। ठीक है, ये आपके इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, आपका वर्गीकरण आ जाएगा एक तरह से, यानी कि वर्गीकरण दस्तावेज आ जाएगा, फिर आ जाएगा कैटलॉगिंग आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएंगे, यानी ठीक है लेबलिंग आ जाएगा, ये स्लेविंग आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अब आता है यूज़, यानी कि क्या आता है यूज़, और जितने भी ये सब चीज़ें हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर की चीज़ें, यानी कि ये चीज़ें याद कर लेनी है कि ये चीज़ें आएंगी, यानी क्या हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा, अगर किसी बच्चे को डीपली पढ़ना, वैसे डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आता नहीं है इसके ऊपर। ठीक है,
परेशान मत होना, जो हाउस कीपिंग जो हम जो पढ़ते हैं वो जो एक तरह से ये मान के चलिए लास्ट चैप्टर में वो वाला अलग है और ये वाला अलग है। तो ये आपका है बी लीव में। अरे यार मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ, इग्नू किताब में, ठीक है, इग्नू किताब में इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है यूज़। अब आता है यूज़, यूज़ के अंदर क्या हो जाएंगे, यूज़ में आपका आ जाएगा लोकेट, दूसरा आ जाएगा लैंड, तीसरा आ जाएगा रिजर्व, चौथा आ जाएगा रिकॉल, ये आ जाएंगे आपके यूज़ में। लास्ट बचा आपका मेंटेन, नेंस यानी कि मेंटेनेंस, MENTENANCE मेंटेनेंस, ठीक है। चलिए इसमें क्या आएगा, माइंड, दूसरा क्या आ जाएगा रिप्लेस, रिप्लेस, और फिर आ जाएगा डिस्कार्ड, यानी सीधे सीधे बात है भैया, जब आप क्या करते हो अपने घर की जो चीज़ें हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्या होते हैं मेंटेनेंस करने के टाइम पे कुछ चीज़ें तो हम उसे थोड़ा बहुत उसमें मरम्मत करके रख लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत फिर दूसरी चीज़ क्या होती है उसकी जगह हम दूसरी चीज़ जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है पूरा का पूरा हमें गाया भी करनी पड़ती है। तो वही चीज़ है, पहले में क्या है हम थोड़ा बहुत यानी कि थोड़ा बहुत मरम्मत करके हमने चीज़ों को बचा लिया, दूसरे में क्या है उसकी जगह हम दूसरी चीज़ ले आए, और तीसरी चीज़ क्या है उस यानी जो चीज़ हमारे यहाँ बाहर फेंक दी हमने, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये टर्म आपको यानी टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी के ऊपर यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, इस तरह पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, आज तक ये पूछा नहीं गया है, याद कर लेना ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। पर आपको अगर कभी आ जाए, इसलिए मैंने इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं, मेंटेनेंस, यूजिंग, फिर आपका प्रोसेसिंग, और आपका ये यानी कि इस तरह से आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ये इसके अंदर ये चार पार्ट हैं लाइब्रेरी हाउसकीपिंग के, और इनके अंदर चार पार्ट है, और चार पार्ट अगर आप वही इग्नू किताब में देखोगे तो वही एक डब्बा बना के दिखा रखा होगा वो इस तरह से, क्योंकि उसमें तो भाई लेबलिंग करके दिखाया था, वो इस तरह से दिखाया हुआ है, यानी कि ये आपके पार्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए ये छोटा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना बड़ा कि आप इसे टेंशन बाजी लो, और वैसे ये टॉपिक आने वाला है नहीं, ठीक है, जो टॉपिक आने वाले हैं उन्हें पक्का ज़रूर करवा दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक भाई देखो आप ये मान के चलो पूरे दिन क्या नाम एक वही बैल की तरह लगे रहो, और वही आखिरी में आके पता चले भाई इससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो वो हमें बनना नहीं है, हमें वो बनना है कि पूरे दिन क्या मेहनत करें तो हमें आखिरी में आके ये कोई ये जितनी उसकी मेहनत आना है वो भी हमें दे दे, तो इस तरह के टॉपिक यानी इस चीज़ को हमें करना है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू।